प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। रईसी की मौत पर अलग अलग थ्योरी भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पर अंतरिक्ष से लेजर अटैक किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। इब्राहिम रईसी का ताबूत छूकर ईरान की जनता अलविदा कह रही है। इस बड़ी गाड़ी में इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और ईरान के तबरीज शहर में लाखों की भीड़ ने ताबूत को छूकर उन्हें अंतिम विदाई दी। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें रईसी की तस्वीर को बासिम सुलेमानी और परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह के साथ रखा गया है। इस तस्वीर से भी शक पैदा हो रहा है क्योंकि सुलेमानी और फखरी जादे दोनों की टारगेट किलिंग की गई थी और इस तस्वीर का ये मतलब निकाला जा रहा है कि ईरान को रईसी की मौत पर भी शक है। सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसमें बिना सबूतों के भी अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। डायना वेलेस नाम से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लेजर हथियार से हमले का दावा किया गया। रईसी के हेलीकॉप्टर पर इजराइल से हमले का शक है। इसकी एक वजह है कि पिछले महीने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ मिसाइल अटैक। इजराइल ने लंबी दूरी से ईरान के प्लांट में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम पर निशाना लगाया। ईरान की जनता को लगता है कि इजराइल ने जरूर दूर से ही रईसी के हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है। आज इजराइल ने वीडियो जारी करके रफा जबा लिया और गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ हमले का दावा किया, पर रफा में बड़े हमले करने का प्लान फिलहाल रोक दिया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को अभी संभल कर कदम रखने की सलाह दी है। हालांकि तरह तरह की थ्योरी के बावजूद खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश को असली वजह माना जा रहा है। एविएशन में ईरान का रिकॉर्ड खराब है, इसके बावजूद राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिका के 45 साल पुराने बेल हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। हालांकि जांच से सच्चाई सामने आएगी, पर तब तक शायद ऐसी कहानियां चलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।